Yeah, next chapter is your chapter number 2, fraction and the rational number. What are the fraction or rational number? SI numbers which have numerator and denominator. So SI numbers between 7 by 5, 6 by 8, 9 by 3. This may numerator part of the denominator part of the, that is called your fraction numbers. अभी हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में से आप लोगों ने पिछले 6 क्लास में किया था फ्रैक्शन नंबर्स के ऊपर एडिशन करना, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने आपको सिखाया था तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट में आप उसी को रिपीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडिशन करना, दो नंबर्स को एडिशन कैसे करते हैं, देयर आर टू मेथड्स, एक जब डिनोमिनेटर सेम हो, दूसरा क्या है जब डिनोमिनेटर अलग अलग, ठीक है। याद रखना बेटा, प्लस करना है माइनस करना है, हमेशा आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना ही पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक कोई भी फ्रैक्शन नंबर के ना आप उसमें प्लस कर पाओगे ना ही उसमें आप माइनस कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/4 + 2/4, आप देखिए इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे, this will be 3/4, it is that case when your denominator are the same, ठीक है। same way अगर इसी में आपको minus करना हो, 5/6 - 3/6, तो भी हम क्या करते हैं, denominator को ऊपर लिखते हैं, numerator को ऊपर लिखे आप उसको करते, okay। This is the case when your denominator is the same, तो क्या होता है, अगर डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर को डिनोमीटर में से माइनस नहीं करते, ना ही डिनोमीटर को डिनोमीटर में प्लस करते हैं, डिनोमीटर सिर्फ वन टाइम लिखते हैं, सिर्फ जो न्यूमरेटर होता है उसको प्लस या माइनस करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, इफ योर डिनोमीटर आर द डिफरेंट, फॉर एग्जांपल नाउ योर डिनोमीटर्स आर 1/2 + 2/3, आपको क्या करना है, आपको डिनोमीटर सेम बनाना है, तो आप डिनोमीटर को सेम बनाएंगे,